वीरू भाई ने पिछली बार बड़ा अच्छा जवाब दिया। एक बार कहते हैं, देखो मैं या भज्जी या यूवी, हम लोगों ने ना ऐसी लड़कियों से शादियां की जिनकी वजह से हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। उनमें कपिल पाजी भी एक थे। क्या भाई आपकी इंग्लिश शुरू से अच्छी थी, शादी के बाद अच्छी? अरे हम तो इलाहाबादी यूपी के, कहाँ अंग्रेजी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। पर आप तो अच्छी बोल देते हैं, अब बेटर हो गया पहले। ये आपके मन का वहम है। ऐ कैफू बोल ना, अंग्रेजी बोलो। तो मेरा भी तो वही हाल है। एक और चीज पूछनी चाहता था, जैसे वीरू पाजी हमेशा ओपनिंग करते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि यार अभी तो वीरू पाजी गए हैं, अभी तो एक डेढ़ घंटा दो घंटा कहीं नहीं गया, या जो भी आपसे पहले प्लेयर खेल रहा है और आप रिलैक्स होके बैठे हैं, गार्ड भी नहीं पहना है आपने, और झट से वो प्लेयर उठ गए और आपको जाना पड़ गया, और पेविलियन से पिच तक जाते जाते अब यही सोच रहे हैं मैंने गार्ड नहीं पहना हुआ, क्योंकि मैंने सुना हेलमेट पहले आ गए थे क्रिकेट में, गार्ड बाद में नहीं, किसी सियाने बंदे ने सोचा कि गार्ड पहले आ गए थे, हेलमेट बाद में आए। अच्छा, हेलमेट बाद में आए थे, क्योंकि उस समय जनसंख्या कम थी ना वर्ल्ड की, तो इसलिए गार्ड पहले नहीं आया। किसी सियाने आदमी ने सोचा होगा ना कि भैया सर पे बॉल लग गई तो ज्यादा से ज्यादा मरोगे, अगर कहीं ऐसी वैसी जगह लग गई तो जीते जी मर जाओगे। भाई एक सवाल था अर्चना जी का, ये कह रही थी कि जो इंग्लिश में कमेंट्री होती है और हिंदी में होती है, तो इंग्लिश वालों को पैसे ज्यादा मिलते हैं? सच्ची बताऊं, हाँ, तो हिंदी के व्यूवर बहुत ज्यादा है और हिंदी के कमेंटेटर्स की ज्यादा इज्जत है इंग्लिश से। क्या बात है, होना भी चाहिए। तो जितने इंग्लिश के कमेंटेटर बैठे होते हैं उतने पैसे अकेला वीरेंद्र सहवाग ले लेता है हिंदी में। पर कमेंट्री करना बहुत आसान काम है। अच्छा, हाँ, एक होते हैं कमेंटेटर क्रिकेट की बात करते हैं, क्या ये हो रहा है, कोहली ने शॉट मारी, कोहली ने कवर ड्राइव मारी, कोहली ने छोड़ा, ये तकनीक है। एक होते हैं ब्रेकफास्ट मैंने आज ये खाया। एक होते हैं बॉलीवुड की मूवी देखी, वो बड़ा अच्छी एक्टिंग करी। पर भाई साहब एक नजारा तो सुना दो कपिल को। कौन सा? कमेंट्री का। जब ये कमेंट्री करते ना ऐसे करते, हाँ, ऐसे बैठे हैं, ये सामने टीवी है और देखिए ये फिल्टर यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, मैं बगल में, मैंने कहा उसको थोड़ी ना दिख रहा है तुम्हारा हाथ यहाँ से यहाँ उठा के रख दिया। देखने वाले को तो ये बताओ ना कि फिल्टर कवर से उठाकर पॉइंट पर ले गए। मेरे को भाई साहब मैं बगल में बैठा हूं। सिद्धू पाजी का मैंने देखा, वो कमेंटेटर जब भी होते हैं किसी मैच में, वो ना मौके पे ऐसा बदल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैच चल रहा था तो मान लो किसी ने एक सिक्सर मार दिया, हाँ, तो शुरू यहां से होते गुरु आघात से अंजाम का पता चल जाता है, हाँ, जिस तरह बल्लेबाज ने चौका लगाया ये जरूर सैकड़ा लगाएगा, अगली बॉल पे अगर आउट हो गया देखो ओवर कॉन्फिडेंस। देखो गुरु सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो बदल जाते तो अच्छे से कवर कर लेते हैं फिर अपनी बात, इसीलिए कमेंट्री आसान है। बट इनसे ये तो पूछ वो कौन से लोग हैं जो ब्रेकफास्ट और लंच और फिल्मों की कहानी सुनाते हैं, कौन है बाजी को? नहीं ना, ना फिर भी यार नहीं, नॉर्मली वैसे मैंने देखा स्टोरी भी कभी, ये उनकी अपनी स्टाइल है, जैसे अब आपका शो लोग हंसते हैं देख के, जी आपका शो देखने की लोग के लोग घर में खाना नहीं बनता, शनिवार इतवार को हमारे घर में खाना नहीं बनता, अरे अरे मम्मी वहां बैठी है उनके रूम में टीवी चल रहा है, कपिल शर्मा का शो आ रहा है, लेट आता है खाना, साढ़े सात बनता है, नहीं नहीं अरे सब बैठे हुए, खाना अगर बन भी गया तो खाने वाला कौन है, खाने वाले भी एक एक रूम में बैठे हुए हैं। क्या बात है भाई, अगर मैं बाबा मैं सही बता रहा हूँ, मैंने पापा को बताया कि मैं जा रहा हूँ शो पे कपिल शर्मा के साथ, शो हमारा है रिकॉर्ड करने, हाँ वो इतने एक्साइटेड हो गए आपका शो देखने के लिए, वो सारे काम छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। वीरपा जी एक और चीज देखिए, जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं ना, कभी कभी ना कैमरामैन सीधा, जैसे कहीं बाहर मैच है तो बीच है बगल में ही, तो कैमरा बाहर घुमा लेते हैं और सडनली हम देखते हैं कि यार मैच के बीच में चलते चलते ना ऐसे कोई कपल लेटा हुआ है, इतने इतने और इतने इतने कपड़े पहन के और एक ही एक ही नारियल में दो स्ट्रॉ डाल के पी रहे होते हैं, तो प्लेयर्स को तो नहीं दिखता, कमेंटेटर्स तो देखते ही होंगे, तो फिर आपका मन नहीं करता यार ये इंजॉय करने वाली जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं, कि आप भी कमेंट्री खत्म करने के बाद नारियल पानी ढूंढते हो? यार 2014-15 से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ,
मैंने तो अपनी स्क्रीन पे जहाँ देख के मैं कमेंट्री करता हूँ ऐसा सीन नहीं देखा है, बट हाँ मतलब अगर आ जाए तो भाई साहब इस पे ज्यादा कमेंट कर सकते हैं। अगर मान लो उनका दृश्य आ गया तो हम वहाँ चले जाते हैं कि देखिए आज धूप खिली है और यहाँ माहौल भी खिला हुआ है बढ़िया। इंटरेस्टिंग चीज है वैसे कमेंट्री है ना, सडनली कुछ भी हो सकता है, इंप्रॉम्प्टू चीजें होती हैं। मेरे को सिद्धू पाजी का किस्सा याद आ गया, आप आए तो मैं सुनाता हूं। तुझे सिद्धू बहुत याद आ रहा है। बहुत काफी याद आ रहा है। ये तो याद भी नहीं करने देती। जब वो कांग्रेस के प्रधान बन गए ना पंजाब के, इन्होंने नारियल चढ़ाए, कहती शुक्र है अब वहां पे बिजी रहेंगे। मैं सिद्धू पाजी के घर गए एक दिन ऐसे ही, तो सिद्धू पाजी कहते समोसे खाएगा, मैं खा लेंगे समोसे, तो मैं कहा समोसे आप तो खाते नहीं, मैं क्योंकि कहते वो मेरे वो गिफ्ट आते रहते हैं, तो समोसे आ गए जी तरह, तो मैंने भी ले लिया एक समोसा, मैं कहा आप खाओ, मैं बच्चू मैं मैदा बिल्कुल नहीं, अच्छा 20 साल हो गए मैदा मैं नहीं खाता, मैं कहा फिर क्या खाते हो, मैं 8 तरह के फल उनका जूस ये वो सट लटरम पटरम आटा मैं हाथ नहीं लगाता, और शाम को 6 बजे के बाद मैं खाता नहीं। मैं कहा अच्छा यार पाजी, हालांकि लग नहीं रहा था कहीं से कि ऐसा कुछ करते हैं। फिर ना हमारे अमृतसरी कुलचे बड़े फेमस है ना, वहाँ में तंदूरी मैदे के होते हैं, कहते मैं तो मैदा हाथ नहीं करता, फिर मेरे को कहते बात सुनो मोनू का कुलचा खाया कभी। मैं कहा मोनू अपना वो अपना एयरपोर्ट रोड वाला, हाँ हाँ, मैं कहा हाँ जी भाजी खाया, वो बड़ा स्वाद होता। मैं कहा आपको कैसे पता स्वाद होता, चुपचाप खा भी लेते हो। भाजी मैंने एक वैसे बात नोटिस की है, जितने भी क्रिकेटर्स हैं ज्यादातर लव मैरिजेज हुई हैं सबकी, तो ये बाहर फील्डिंग करने का टाइम कब मिल जाता है आपको? आप फील्डर बड़े अच्छे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ये दोस्तों का करा धरा है, सारे दोस्त अच्छा हाँ, अब आप बाहर चलो चलो खाना खाने चलते हैं, आप बाहर जाते हो तो आप वहाँ किसी से मिल जाते हो, मुलाकात होती है, फिर नंबर एक्सचेंज होता है, फिर आप बात करते हो, फिर आप लगे रहते हो रात भर फोन पे। फिर ऐसे बात आगे बढ़ जाती है। मेरे साथ तो मैं तो मेरी वाइफ जो थी उनके साथ मैं 6 साल था, फिर मैं शादी करी। अच्छा जी, तो 6 साल क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। अच्छा जी, इंडियन टीम 6 साल एक दूसरे को जान समझ रहे थे, समझ रहे थे, तो 6 साल बाद उन्होंने आपको समझने के बाद भी आपसे शादी कर ली। पाजी आप में तो इतना पेशेंस है नहीं इतनी फील्डिंग लगाने का, तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ी थी भाभी से शादी करने के लिए, मतलब आराम से हो गई थी? नहीं, इनको तो यार दोस्त थे जो इनके लिए फील्डिंग कर देते, बट मेरे तो घर में ही थी ना, मेरी तो बीवी मेरी रिश्तेदार है, मेरे भाई के साले की बेटी है। अच्छा जी, तो मुझे तो ज्यादा फील्डिंग करनी भी नहीं पड़ी। अच्छा, मैं भी देखो मैं इतना टाइम नहीं लगाएंगे, तो ताड़ ताड़ करने वाले काम है। हाँ जी। पाजी जैसे आप दोनों की दोस्ती है, आप लोग बिंदास बोलते हैं, कभी भी डिप्लोमेटिक आंसर नहीं होते, तो एक जनता जनार्दन के सवाल है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपने बताना कि ऐसा कौन करता है। जब आप मैच खेलने जाते थे आपकी टीम में जितने भी दोस्त, आप दोनों नहीं और भी बाकी भी, होटल के सबसे ज्यादा मजे कौन लेता है कि पूरी फैसिलिटीज लेनी है, स्विमिंग पूल में भी जाना है, स्पा में भी जाना है, पूरा फायदा कौन उठाता था, कौन सा खिलाड़ी? क्या पर मैं स्विमिंग भी करनी है, नाई के पास भी जाना है, मसाज भी करानी है, और फिर कंप्लेंट भी करनी है, यार ये होटल मजेदार नहीं। अच्छा, रूम को सबसे ज्यादा गंदा कौन रखता था? हमारे टाइम में हरभजन सिंह। भज्जी भाजी, अच्छा अब इतने मैनेज से करता है, कहीं भी जाओ तो सब एक एक जगह रहती है शादी के बाद, पहले तो मतलब इधर जूते पड़े हैं, उधर जुराबें पड़ी हैं, पता नहीं मतलब पूरा रूम फैला रहता था जब भी उसके रूम में जाओ। एक्चुअली मैंने देखा है लड़के जो होते ना डिसिप्लिन में आते ही शादी के बाद है। मैंने भी भाजी ये कॉन्सेप्ट पता चला मुझे जब मेरी शादी हुई कि डिनर टेबल पे खाना लग गया है, मैं कहा डिनर टेबल कहाँ है? तो नहीं तो हम लोग तो ऐसे ही खाते रहे पहले ही, ऐसे ही प्लेट इधर ही रख लेनी। अभी मेरे पुराने कपड़े देखो उसमें प्लेट के निशान बने हुए हैं। और लड़के करते हैं ऐसा? अच्छा वैसे थोड़े बहुत वहम भरम तो सब करते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब सा अंधविश्वास में बिलीव करने वाला कौन सा क्रिकेटर है? सौरव गांगुली। दादा अंधविश्वास करते हैं? दादा पूरा उनका जो माला होती है हाँ ऐसे पैड़ के कर, अगर नेटवर्क ट्रॉफी का मैच याद हो तो ये ऐसे ये माला पकड़े हुए थे दुर्गा माँ की जो भी, ऐसे पकड़ के बैठ के वो मैच पूरा वॉच किया उन्होंने। तो आपने कभी पूछा नहीं उनसे दादा क्यों रखते हो माला? दादा की गले में जो चेन है उसमें
दुनिया के जितने भगवान उन सबकी फोटोएं मिलेगी। अच्छा। और दुनिया के जितने पत्थर होते हैं ना, नीलम, मोंगा, चोंगा, तोंगा, सब वो उनके में। अच्छा। तो किसी भगवान को नाराज नहीं करना। नहीं नहीं तो करना। अगर आप वो उनकी फोटो देखो जब वो लॉर्ड्स पे वो टी शर्ट घुमा रहे हैं, तो उसमें उनके गले में चैन देखना, और चैन में देखना कितने सारे भगवान लटके हुए। वाह, ये मैंने अब तब उस समय नोटिस नहीं किया, मैं अभी देखूंगा। दादा की एक और खास बात थी कि दादा का कभी खराब टाइम आता था ना, तो टीम में जिसका अच्छा टाइम चल रहा है ना, उससे कुछ ना कुछ ले लेना। तो बेसिकली उसका अच्छा टाइम ले लिया, अपना खराब टाइम दे दिया। तो ये दादा ने बहुत किया। कोच से छुप कर, रूल्स तोड़ कर पार्टी करने गए, किसी से मिलने गए और फिर पकड़े गए, ऐसा हुआ कभी? मैं दिल्ली डेयरडेविल का कैप्टन था, तो हम लोग बैंगलोर से या चेन्नई से बहुत बुरी तरह आ रहे। अच्छा। तो उस समय आईपीएल पार्टीज होती थी, तो कंपलसरी था जाना। तो हमारा कोच था ग्रेग शिपर्ड ऑस्ट्रेलिया का, तो वो इतना नाराज था, इतना गुस्सा था कि हमें वो मैच मतलब इज्जत से हारना चाहिए था, हम बेइज्जती से हारे। अच्छा। उनका कहना ये था, तो उन्होंने कहा कि वीरू व्हाट डू थिंक, यू नो दिस किड्स शुड नॉट गो टू पार्टी। मैंने कहा कोच यू आर द बॉस नाउ, यू टेक द डिसीजन। तो उसने अनाउंस किया कि भाई आज कोई पार्टी में नहीं जाएगा। अच्छा। तो ये बात हो गई, सब अपने अपने कमरों में चले गए। 1 बजे पहुंचे हम होटल, 1:30 बजे धीरे 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 पार्टी का जब रंग जमा, तो पूरी टीम वहां पर इंक्लूडिंग वीरेंद्र सहवाग वहां उस पार्टी में मौजूद थी। तो हमारा कोच आता है हाथ में डंडा लेके और सबको डंडे मार मार के उस पार्टी से निकाल के वापस इनके कमरे में। अच्छा, परफॉर्मेंस खराब हो गई तो अंदर आके बंदा बहाना भी लगाता ना कभी कभी, आज मेरा ये मसल पर। तो सबसे अच्छा बहाना कौन लगाता है टीम में? मुझे लगता है कि जो बहाने बनाते थे बल्लेबाज, वो इसलिए नहीं बनाते थे कि वो आउट हो गए। जैसे तेंदुलकर जी आउट होके आए तो कहते थे यार मैंने हाथ से देखा था, ऐसे आउटस्विंग हो रही थी, पड़ के अंदर आ गई, तो मेरी गलती नहीं थी, विकेट से कांटा बदल गया। तो वो बहाना भी नहीं कह सकते उसे। हाँ। बट मतलब वो जेन्युइन थे। तो मैं सोचता था यार मतलब सचिन तेंदुलकर मुझे ये बता रहे हैं कि उनके हाथ से बॉल छोटी बॉलर से जो 150 140 डाल रहे हैं, और उन्हें उनकी सीम दिख रही है और कहाँ गिरी वो भी दिख रही है, और फिर अंदर आई वो भी दिख रही है। तो मैंने कहा ऐसा तो तेंदुलकर भगवान को ही दिख सकता है, और वो भगवान ही है। वाकई क्या बात है, क्योंकि हमें तो हमारी लाइफ में कभी ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे एक बार ये कहानी सुनाई कि मुरलीधरन को मैं जैसे पिक नहीं करता था, इन्होंने पूछा कौन सबसे खतरनाक, तो मुरलीधरन को कभी भी नहीं पिक कर सकता था। तो मुरलीधरन जब बॉल करते थे तो उन्होंने कहा जब उनका थंब ऊपर आ जाता ना तब वो दूसरा फेंकते हैं, तब बॉल पड़ के बाहर जाता है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा देखूँ। तो मैं मुरलीधरन को बड़े ध्यान से देखता था, मुझे थंब ही नजर ना आए। तो मैंने कहा यार इन्हें थंब भी कैसे दिख जाता है, क्या बात है, कितनी डिटेलिंग में है। मैं दंग रह गया। अभी रोड सेफ्टी का मैच था, नेट पे बॉलिंग कर रहे थे, इरफान पठान बैटिंग कर रहे थे, बोल के कैफ में इरफान पहली बॉल खेल रहा, मैं गुगली मारूंगा, वो आगे खेलने जाएगा और वो स्लिप में आउट होगा। बोल के उन्होंने ऑन द स्टंप गुगली मारी, इरफान पठान आगे खेलने गए, वो बीट हुए, स्लिप में बॉल चली गई। मैंने कहा पाजी क्या बात है यार, अभी अभी की बात है, 3 महीने की पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। भगवान ने बहुत टाइम लेके बनाया आराम से। क्या बात है, वाह, लव यू सचिन सर। वीरू भाई जी, अभी हम लोग गांव में शिफ्ट हो गए ना, तो हमारे गांव के एक भाई साहब हैं छेडू लाल जी, उनको मैंने बोला अभी कि मत आया करो तुम बीच में, पर बोलता मेरे को आना है सवाल पूछने कुछ, आ जाते बड़े ढीठ हैं। हाँ जी छेडू लाल जी। मोहम्मद कैफ साहब और वीरेंद्र सहवाग साहब, मैं तो पहले हैरानी बड़ा हो गया, मैं कही आप लोग इस लुके के शो में क्या कर रहे हो। एनीवेज अच्छा मेरे को ये पूछना था कैफ साहब आपसे, मेरा सवाल है कि घर में जब छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, जैसे बीवी के साथ हो जाता है, हो जाते हैं, तो उस समय फिर घर में खाना शेफ बनाता है क्या? अच्छा सहवाग साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, ये जो मैच में ड्रिंक ब्रेक होता है, तो उसमें आप अपनी मर्जी का ब्रांड पी सकते हो कि स्पॉन्सर की मर्जी का ब्रांड होता है? नहीं, आप अपनी मर्जी का पी सकते हो, पर होता तो पानी है ना वो ड्रिंक में, तो ये गलत समझ रहे भाई साहब। देखो आंखें इनकी। अच्छा कैप साहब, एक सवाल आपसे और पूछना था कि जैसे आदमी क्रिकेट से संन्यास ले लेता है, तो संन्यास लेने के बाद वो चीयर लीडर को ताड़ सकता है कि नहीं? भाई आंख आपकी है। अच्छा आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि ये जो थर्ड अंपायर होता है ये छुपा क्यों रहता है? इसने किसी से उधार ले रखा है कि ये नंगा घूमता रहता है? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।